कहा जाता है कि सर विद्या वो धन है जो कभी समाप्त न होने वाला धन, ऐसा विद्या है। और विद्या का जितना जिन लोगों ने सर अर्जन किया है वो आज मालामाल हुए। जरूरी नहीं कि सर पैसे के क्षेत्र में मालामाल हुए, हर क्षेत्र में भी मालामाल हो सकते हैं। जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी, पैसा के साथ साथ इनको हर लोगों का प्यार मिला है, हर लोगों का दुलार मिला है, इसीलिए मालामाल है। भीमराव अम्बेडकर जी, देश की प्रत्येक जनता इनका सम्मान करती है, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनका भी हमारा देश का विश्व भी इनका सम्मान करता है, आदर करता है। सर बैतालपुर के एरिया में मैं आया हूँ, बिशनपुरा। सर देखिए यहाँ पे एक ऐसा संस्था चलता है, विद्या लाइब्रेरी बिशनपुर बैतालपुर देवरिया। सर यहाँ पे मैं अंदर दिखा रहा हूँ, सर इतना बेहतरीन व्यवस्था है, इतना बढ़िया व्यवस्था है बच्चों को पढ़ने के लिए कि देखिए सर बेहतरीन व्यवस्था है। बच्चे यहाँ पे आकर के तैयारी कर सकते हैं, बच्चे यहाँ पे अपना अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं। यहाँ पे शिक्षक भी लोग हैं, वो भी आकर के तैयारी करते हैं और बच्चों को ज्ञान देते हैं। सर एक मिनट में सर आपसे बात कर सकता हूँ क्या? सर आपका शुभ नाम? सोनू वर्मा। सोनू वर्मा जी, सर कितने दिन से ये संस्था में आप लोग आते जाते हैं? लगभग 2 महीने से। 2 महीना से। सर कुछ इसका रिजल्ट आपको मिला है? बहुत रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है जी सर। तैयारी को नया आयाम मिल रहा है जी। हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग जी। बच्चों को शिक्षा भी देते हैं जी सर, उससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं जी सर। सर ये तो हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोग को सारे एरिया का विकास होगा जी। यहाँ के बच्चों के जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम या फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर आप लोगों को आगे भी दिखा रहा हूँ, जो देखिए कितनी बड़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सब जगह के पंखा का भी, लाइट का भी उचित प्रबंध है, नेट का भी व्यवस्था यहाँ पे है। यह संस्था नेट भी उपलब्ध करवाती है, जो बच्चे तैयारी करते हैं नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाबू आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रखर जी। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ में। आप यहाँ पे किस विषय की तैयारी कर रहे हैं? देखिए ये भी अपना गर्मी का छुट्टी मनाने के साथ साथ यहाँ पे तैयारी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, आगे क्लास की तैयारी कर रहे हैं शादी। ओ मैं आगे भी बढ़ करके दिखाता हूँ सर। देखिए सारा व्यवस्थित तरीका से। सर नमस्कार, यहाँ के जो संस्थापक हैं जिनका यह दिमाग में यह उपज आया यहाँ पे, उनसे मैं मिलवाना चाहता हूँ। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? देवानंद शर्मा जी। सर ये आपके दिमाग में इतने बढ़िया आइडिया कैसे आया? सर भाई साहब हमारे टीचर हैं, तो शिक्षा के मामले में बहुत आगे भी सोचे हैं उनके जी सर। इसके वजह से बच्चों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए, शिक्षा दी जाए, इसके वजह से जैसे डाला गया इस क्षेत्र में, हमारे बैतालपुर में एक ही था तो दूसरा ये हम डाले हैं। वहाँ की सीटें कम थी, इसकी सीटें संख्या बढ़कर सीटें हैं, और बी एस एन एल का फाइबर कनेक्शन है, नेट वाईफाई और आर ओ है, और ऐसी व्यवस्था हमारे पास है जी सर। और इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हम चाहें जितना बढ़िया मतलब अपनी तैयारी करके और अपने भविष्य को आगे बढ़ाने वो बढ़ाएं उसको, और अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम दे सकें, इसीलिए हम हमेशा अग्रसर हैं। इसके वजह से कुछ टीचर भी हमारे पास हैं, ताकि बच्चे अगर जो कुछ कहीं फंस रहे हैं, चाहे कुछ कोई दिक्कत आ रही है, तो डायरेक्ट टीचर से संपर्क करके अपना मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसको तुरंत हल कर लें, ताकि बच्चे सस्पिशन में मत रहे कि हाँ मतलब हमको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो कितना दिन तक मतलब अपने दिमाग में बैठाएंगे या चीज नहीं आ रही। इसके वजह से टीचर हैं, लोग अपना क्लियर करके तुरंत बता देंगे सर। सर आपका संस्था में एडमिशन के लिए चार्ज है क्या कुछ? हाँ चार्ज है, मंथली हाफ डे का मंथली है, हाफ डे के लिए 500 रुपया और फुल डे के लिए 800। ठीक है सर। तो सर देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है, कितना अच्छा तरीका है। सर ये बताइए गरीब बच्चे जैसे आए उनके लिए हम यहाँ कोशिश करेंगे कि मतलब उनके लिए कुछ अलग से रूम बनाया गया है और रखा गया है अलग से। उस तरह के बच्चे हैं, एक दो बच्चे हमारे पास हैं, उनसे मतलब अन्य बच्चों से फीस अलग कुछ लिया जाता है। सर क्या बता सकते हैं क्या? मतलब आधे से आधे नहीं तो इसे कोशिश किया जाता है कि एक बच्चा है तो मतलब हम चाहे कि नई फीस न लिया जाए, लेकिन बच्चा मतलब कुछ अपनी ईमानदारी से लगा करें नहीं हम फीस देना चाहते हैं। उसके बावजूद फिर हम लोग अपने भाई साहब से बात की तो बताया गया, तो यह हुआ कि नहीं कम से कम आधी फीस तो
मतलब अच्छे से ले लिया जाए ताकि उसके मन में तकलीफ ना हो। ठीक है सर। सर देखिए मैं आपको ऐसे ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ तक जिससे ज्ञान में वृद्धि हो, आप जाग सके, जागरूक हो सके। सर इसको देख करके आप लोगों को उतना मजा तो नहीं आएगा, मगर हाँ इस क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, शिक्षा की नई नई उड़ानें जो बच्चे भर रहे हैं, उनका मैं जानकारी सदा आपको देता रहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।